इमरान खान और बाजवा को तालिबान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ISI अब तालिबान के ट्रांसफर करने में वो जुटे हुए हैं। इन आतंकवादियों की पोस्टिंग खुरासान ग्रुप में हो रही है, यानी कि ये अब क्लियर हो गया है कि अमेरिका और दुनिया भर में जो हमले जिन लोगों के खिलाफ हुए उनमें अब खुरासान के नाम पर ही बात सामने आएगी। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि तालिबान का मेकओवर करके उसे एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया जा सके। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इमरान और बाजवा तैयार कर रहे हैं टामी। सबसे पहले समझिए कि ये ट्रांसफर स्कीम क्या है। जो आतंकी आज तालिबान में पाकिस्तान उसको में ट्रांसफर कर रहा है, यानी अब तालिबान सरकार चलाएगा और खुरासान वो काम करेगा जो जैश और लश्कर करता आया है। आतंकियों के ट्रांसफर जैसे काम पाकिस्तान चोरी छिपे करता है। पाकिस्तानी आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तालिबान के लिए ऑफिशियल टेरर कैंप बनाने का ऑफर कर दिया। इस बयान को गौर से सुनिए क्योंकि दुनिया में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। उन्हें पहले सरकार बनानी होगी। जब भी वो इस बात का फैसला करें कि वो अपनी सुरक्षा कैसे करना चाहते हैं, अगर वो ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान से किसी भी तरह की मदद चाहते हैं, तो हम ऐसा करने के लिए पहले से तैयार हैं। लेकिन ये फैसला दोनों देशों की सरकारों के बीच होना चाहिए, ये मिलिट्री का फैसला नहीं हो सकता। जनरल कमर जावेद बाजवा की सेना अब तालिबान को ट्रेनिंग देना चाहती है। सोचने वाली बात है कि खून खराबा करने वाले आतंकी संगठन तालिबान को ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलकर आतंकियों का इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप खोलना चाहते हैं? पाकिस्तानी सेना के मुताबिक ऐसा करने के लिए इमरान खान और मुल्ला बरादर के बीच बातचीत होनी चाहिए और ऐसी ट्रेनिंग देकर पाकिस्तानी आर्मी बहुत खुश होगी। आप सोचिए कि पाकिस्तान की सेना दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट कर ऐसी बातें कह रही है, तालिबान का पक्ष ले रही है और काबुल धमाके के तुरंत बाद पाकिस्तान का ये बयान सुनकर दुनिया हैरान है। सिचुएशन वॉज अनफोल्डिंग इन अफगानिस्तान। जिस तरह से अफगानिस्तान में हालात बदल रहे थे, इसका बुरा असर पाकिस्तान में भी हो सकता था। इस वजह से हमने कई स्टेप्स उठाए। ये सब रातों रात नहीं हुआ। हमने इसकी तैयारी शायद 2014 में ही शुरू कर दी थी। तब हमने अपनी सुरक्षा को इन इलाकों में मजबूत करना शुरू कर दिया था और आतंकियों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा प्रेशर बनाया। सिक्योरिटी इन दिस एरियाज दैट इज व्हेन वी अप द एंटी अगेंस्ट द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच वाज ओवर देयर। पाकिस्तान आर्मी ने अब तालिबान को एक पॉलिटिकल पार्टी बना दिया है जिसकी हुकूमत अफगानिस्तान में बनने वाली है। जब काबुल में तालिबान का रूल होगा तो आतंक फैलाने का जिम्मा दूसरे टेरर ग्रुप्स को दिया जा रहा है, यानी पाकिस्तान ने तालिबान का मेकओवर कर दिया। तालिबान के आतंकी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं।